हेलो फ्रेंड्स, तो आपने गदर 2 देख लिया ना? पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था और कहा था कि जरूर देखिएगा, ये फिल्म कमाल की फिल्म है। तो मुझे तो आप पता नहीं चला कि आपने देखा कि नहीं, क्योंकि अब ये तीसरा वीक जा रहा है और आज तो रक्षाबंधन भी है, तो पक्की बात है कि आपने अब तक गदर 2 देख लिया होगा। तो फिर बताइए आपको कैसी लगी फिल्म, ये बताने की तो बात ही नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ जो आपसे पूछ रही हूँ। दरअसल ये फिल्म आपको कैसी लगी होगी मुझे पूछना ही नहीं चाहिए भाई, सुपर डुपर शनिपा जी की ये फिल्म है, तो कैसी लगी होगी ये पूछना नहीं बनता है, बल्कि ये बताना बनता है कि इस फिल्म ने कैसी कमाई की है। सच बताऊं, पठान और बाहुबली जैसी फिल्म को तो इसने कितनी पीछे छोड़ दिया है आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि बाहुबली और पठान की कमाई को गदर 2 ने कितनी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल फ्रेंड्स, गदर के लिए फैंस की जो दीवानगी है ना, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सच पूछिए तो आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे शहर का तो हाल ही मत पूछिए। वैसे भी जैसे ही कोई त्योहार, छुट्टी या वीकेंड आता है, फिल्म की कमाई एक बार फिर रफ्तार पकड़ ही लेती है। अब सन्नी देओल की गदर 2 ने रक्षाबंधन पर बड़ी छलांग लगाते हुए बम्पर कमाई कर डाली है। रिलीज के 20वें दिन सन्नी देओल ने एक बार फिर शाहरुख खान की पठान और प्रभास के बाहुबली की छुट्टी कर दी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग शाहरुख खान के पठान के 20वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने सिर्फ 420 करोड़ की कमाई की थी, और ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा जब ये पठान फिल्म आई थी। और यहाँ पर अब मैं बताती हूँ, प्रभास की शानदार फिल्म बाहुबली 2 ने रिलीज के 20वें दिन 625 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस आंकड़े को देखें तो सन्नी देओल ने दोनों ही सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया है। कैसे, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए तो ही बताऊंगी। वैसे फ्रेंड्स, ये आपने देखा होगा कि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही जमकर कारोबार कर रही है। शाहरुख खान स्टारर पठान के बाद गदर 2 कमाई के मामले में तूफानी बनी हुई है और लगातार नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसे देखने के लिए सिनेमा घरों में जमकर ऑडियंस पहुंच रही है। रक्षाबंधन के त्योहार पर भी गदर 2 के लिए थिएटर्स के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही है। इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन पर भी एक बार तगड़ा उछाल आया है। गदर 2 की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, और अभी तक फिल्म जो है 470 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, और अब इसका टारगेट 500 करोड़ का आंकड़ा पार करना है। फिल्म जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि इस वीकेंड पर ये माइलस्टोन भी पार कर लेगी। फिलहाल देखा जाए तो ड्रीम गर्ल 2 की जो कमाई पहले हफ्ते की है, उतना कमाई 20वें दिन गदर 2 की है। लेकिन अभी गदर 2 का आगे का रिपोर्ट देखना है, क्योंकि 8 दिन बाद आपको जवान, शाहरुख खान की जवान रिलीज होने वाली है, और शाहरुख खान की जवान रिलीज होने के बाद गदर 2 की कमाई कैसी रहती है, ये हम लोग आगे के रिपोर्ट में देखेंगे। फिलहाल तो मैंने सुना है कि बहुत सारे शहरों में रक्षाबंधन के दिन थिएटर में ये मूवी यानी कि गदर 2 फ्री कर दी गई है, और इसका लाभ काफी लोग उठा रहे हैं। तो आपके भी शहर में क्या गदर 2 को फ्री कर दिया गया है रक्षाबंधन के दिन, ये लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये मूवी अभी चलने वाली है, खूब चलने वाली है, और मुझे मालूम है कि काफ़ी तगड़ी कमाई करने वाली है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस मूवी का भविष्य क्या रहता, भविष्य तो हो ही चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने जो इसका रिपोर्ट दिया, इसकी कमाई के बारे में इसका रिव्यू आपको कैसा लगा। अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई फिल्म की रिव्यू लेके और उसके कलेक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करने। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।